what are the problems like people are facing, exporters are facing while doing the export shipments. So ऐसे बहुत सारे reasons है कि बहुत सारे problem challenges आते हैं actually business जब भी हम करते हैं तब. और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि जब भी आप आपका फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट करने जा रहे हो या फिर आप लाइक रेगुलरली भी अगर कर रहे हो तो भी बहुत सारे चैलेंजेस एक्सपोर्ट के शिपमेंट में आपको फेस करने के लिए मिलेंगे. सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू माइट बी फेस इन द एक्सपोर्ट शिपमेंट. हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा. आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच. एंड यस, वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025. सो जैसे कहा है कि मिशन अगर रन करना है तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है इसके. और यस, आई एम वेरी हैप्पी एंड यस वेरी लाइक एनर्जेटिक फॉर दैट. लेस यस, अगर हम लोगों को हेल्प करेंगे कि वो एक्सपोर्ट की जर्नी चालू करेंगे, यू कांट बिलीव ऑन दैट हाउ मच पावरफुल नेटवर्क वी कैन क्रिएट इन द मार्केट दैट वी कांट लाइक वी कैन हेल्प ईच अदर टू ग्रो इन दिस बिजनेस. एंड यस, डेफिनेटली इंडिया विल बी नंबर वन इन द इंटरनेशनल मार्केट. So let's start this journey. But before that, what are the problems you can face in the export shipment? You need to learn more about that. So अगर मैं कहूँ कि like मैंने इतने सारे export shipment अभी किए हैं with my company, like yes we have exported lot of products, agriculture हो, fresh foods, vegetables हो, processed food हो, ऐसे बहुत सारी चीजें मतलब हमने export की है. Yes, हमारे student ने भी बहुत सारे export किए हैं. सो अगर कॉमन मिस्टेक्स या फिर कॉमन प्रॉब्लम्स कितने सारे फेस हुए हैं अभी तक, अगर वो निकालूं मैं तो शायद आपको आज पता चलेगा कि लाइक आपको कौन कौन से सेक्टर में या कौन कौन से एरिया में पहले ही ध्यान देने की जरूरत है. ओके, सो अगर मैं कहूँ फर्स्ट, लाइक अगर आप बल्क प्रोडक्ट में जाना चाहते हो या फिर आपका लाइक जैसे होता है ना कि ओनियन इज बल्क प्रोडक्ट, नाउ मिक्स वेजिटेबल्स बल्क में जाता है या फिर फ्रूट्स बल्क में जाते हैं या फिर अदर कोई भी हो, कि अगर आप बल्क में जाना चाहते हो तो एक हमेशा याद रखो कि हो सकता है इफ यू आर मैन्युफैक्चरर देन द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विल बी फेस्ड बाय यू, बट इफ यू आर मर्चेंट देन द मेजर कॉमन इश्यूज लाइक फेसिंग बाय द एक्सपोर्टर्स आर लाइक मटेरियल शॉर्टेज या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल या फिर वो टाइमली नहीं मिलता या फिर उस टाइम पे कुछ तो प्रॉब्लम आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. और शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम इतना बड़ा होता है एट दैट मोमेंट कि आप एक्सपोर्ट के लिए मतलब वो क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और दूसरी बात, वॉट इज लाइक रिसोर्सेज यू हैव एंड वॉट द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यू हैव, बेस्ड ऑन दैट ओनली हाउ यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम. This is the depend. लेकिन ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊ, लाइक मेरा ही केस स्टडी लो कि अभी हमारा जो लास्ट मिक्स शिपमेंट गया, लाइक मिक्स वेजिटेबल का जो शिपमेंट गया, हमने प्लान किया था कि चिली, लेमन, ड्रमस्टिक एंड जिंजर, तो ये चार प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करके हम वो कंटेनर भेजने वाले थे. सो उसमें कॉम्बिनेशन में ये भी डिसाइड था ना कि चिली कितनी जाएगी, लेमन कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, ऐसे डिसाइडेड था. लेकिन लास्ट मोमेंट पे डे बिफोर द शिपमेंट मतलब ये पता चलता है, उस सप्लायर का फोन आया कि सो सॉरी बिकॉज ऑफ द लाइक रेन, उस टाइम पे रेन हुआ था सडनली, मतलब रेनिंग हुआ था और इसके वजह से लेमन जो भी था वो मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ही प्रॉब्लम आया था और अगर वो ऐसा अगर शिपमेंट करोगे तो शायद आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है. सो ये लास्ट मोमेंट का मतलब रीजन आया, क्योंकि लास्ट मोमेंट का प्रॉब्लम आया कि अभी हम क्या करें. मतलब सच में इतने टेंशन में थे. क्यों टेंशन में थे? क्योंकि मुझे वो शिपमेंट तो करना ही था और वो फुल कंटेनर ही भेजना था. तो अगर वो लेमन कम हो गया, इसका मतलब शॉर्टफॉल बढ़ गया मेरा, तो फिर दूसरा कौन सा कमोडिटी मतलब उसके साथ में भेजा जाए, वो मतलब वो सरप्लस करे या फिर वो मैचअप हो जाए. तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस और भी बाकी थे कि अगर मैंने वो दूसरा कमोडिटी अगर बढ़ाया, सो वेदर इट इज एक्सपोर्टेबल इन दैट मार्केट, वो सच में उतना डिमांडेड है क्या, ऐसे बहुत सारे रीजंस आते हैं, बहुत सारी बातें होती है. और दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव द सरप्लस प्लान, यू नीड टू हैव द लाइक ऑप्शनल प्लान विथ यू. सो हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट होने के कारण हो या फिर रिसोर्सेज स्ट्रांग है, नेटवर्क हमारा इतना बड़ा है स्टूडेंट का भी और अदर लोगों का भी, यस वी हैव मैच अप दैट प्रॉब्लम, वी हैव प्रोक्यूर द लेमन और वो गुड क्वालिटी के हमें मिले और यस वी हैव डन दैट शिपमेंट सक्सेसफुली एंड यस रीच दैट मार्केट एंड लाइक वहां पे भी सेल बहुत अच्छा हुआ एंड यस होपफुली लाइक ऑल थिंग्स आर इन द प्लेस. मतलब क्या, चैलेंजेस आए लेकिन उसको बीट भी हमने किया बिकॉज ऑफ सच थिंग्स. सो बस आपको वही ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप मिक्स शिपमेंट करने के लिए जा रहे हो तो माइट बी यू कैन फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट.
दूसरी बात होती है लाइक लास्ट मोमेंट पे लेबर के इश्यूज आते हैं, या इधर फोर टाइम पे नहीं आएंगे, या फिर ओवर टाइम नहीं करेंगे, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। यस आई नो कि वो शायद आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो जो भी आपको सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका इशू है, लेकिन यस मैं कहूंगी दो इट इज नॉट डायरेक्टली योर प्रॉब्लम बट इट इज अफेक्टिंग डायरेक्टली ऑन योर शिपमेंट, सो आपको उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी बात, लेबर का ये भी बहुत इशू होता है ना कि वो ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते समय मतलब कितना ध्यान में देखे करेंगे, या फिर कितना लाइक जो होता है ना कि इग्नोर करेंगे, या फिर निग्लेक्ट करेंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहे हो प्लीज बी केयरफुल इन दैट। सो दैट इज वाई आई विल से यू लाइक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, मतलब आपका कोई तो मॉनिटरिंग एजेंट वहां पे होना ही चाहिए ताकि वो सारी चीजों को मॉनिटर कर सके कि वो चीज कैसी हो रही है, वेदर इट इज पैकिंग चल रहा हो, या फिर ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो, या फिर कोई भी हो, लोडिंग हो, मतलब जो भी चल रहा है वो कैसे हो रहा है, दैट शुड बी मॉनिटर्ड, ताकि आप आगे के जाके जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे आपके शिपमेंट में वो आप सेव कर सकते हो। ओके, वन मोर प्रॉब्लम लाइक इट इज फेस्ड मेनी टाइम्स लाइक मटेरियल शॉर्टेज ऑफ पैकेजिंग, मतलब आप जिस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो, वेदर इट इज प्रोसेस फूड, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, वेदर इट इज इंजीनियरिंग और वेदर इट इज एनीथिंग, लेकिन हो सकता है ना कि शायद अगर आपके पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है तो आइदर वो मतलब मैन्युफैक्चर ऑर्डर देके मैन्युफैक्चर करके फिर आने वाला था, या फिर सरप्लस में स्टॉक में था फिर आने वाला था, जो भी कुछ हो, मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस में मतलब इतने सारे सालों में ये भी एक्सपीरियंस किया है कि शॉर्टेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ये भी एक बहुत बार फेस किया गया प्रॉब्लम है। मतलब हो सकता है कि ये जो भी प्रॉब्लम में बोल रही हूँ आपको या फिर हम कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होंगे, इट माइट कैन बी हैपन, लेकिन हो सकता है कि किसी शिपमेंट में ये भी आपको फेस करने के लिए मिलेगा। सो इसीलिए हमने कहा कि बी प्रिपेयर्ड विद दैट, पहले से प्रिपेयर रहो कि अगर ऐसे लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है सो वेर यू कैन लाइक मैच अप दैट, तो आप कहां से लाओगे, फिर कितने रिसोर्सेज आपके पास है, ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, डोंट गो विद द सिंगल ऑप्शन, और तब जाके शायद काम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एक द मेजर इश्यू मैं कहूंगी लाइक ये भी बहुत बार फेस होता है, लाइक दो यू आर द एक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्टर, या फिर दो यू आर द स्टार्टअप, या फिर दो यू आर लाइक फ्रीक्वेंटली एक्सपोर्टिंग, या फिर दो चार कंटेनर ऑलरेडी आप शिप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी एक प्रॉब्लम ये भी फेस किया जाता है लाइक बहुत बार कंटेनर की अवेलेबिलिटी, मतलब शेड्यूल ऑफ दैट वेसल्स, या फिर प्रीपोन होना, पोस्टपोन होना, लाइक जो भी कहा जाता है ना कट ऑफ का टाइम चेंज होना, या फिर कुछ चीजें बदल गई, या फिर मतलब कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आए, तो इसीलिए वो शिपमेंट के शेड्यूल भी बहुत बार चेंज होते हैं, और उसके वजह से आपकी शिपमेंट आइदर डिले भी हो सकती है, या फिर प्रीपोन करनी पड़ती है, या फिर पोस्टपोन भी हो सकती है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट पोस्टपोन हो गई एक दो दिन से तो इट्स ओके, यू कैन लाइक मतलब गो थ्रू दैट, बट अगर प्रीपोन होती है एंड यू आर नॉट कंसिडर द बफर टाइम, यस यू कैन इमेजिन व्हाट द प्रॉब्लम यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। सो इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप बफर टाइम एडजस्ट करके ही आपके शिपमेंट का प्लान करें। सो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमने कहा ना कि मटेरियल शॉर्टेज भी हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल शॉर्टेज हो सकता है, लेबर के इश्यूज आ सकते हैं, कंटेनर अवेलेबिलिटी, कंटेनर शेड्यूल के इश्यूज आ सकते हैं, या फिर कभी कभी एक्सटर्नल चीजें हो सकती है, लाइक हमारी एक शिपमेंट जब भी जाने वाली थी तब स्ट्राइक हुआ था, मतलब पूरे इंडिया में स्ट्राइक हुआ था फार्मर्स का, तो ऐसे बहुत सारे रीजन आ सकते हैं, और इसीलिए मैं कहूंगी हमेशा एक्सपोर्ट इज प्री प्लान एक्टिविटी, एक्सपोर्ट इज सिस्टमेटिक एक्टिविटी, एंड दैट इज वाई यू शुड नो प्रायर टू योर शिपमेंट व्हाट आर द लाइक कॉन्सिक्वेंसेज यू कैन फेस इन दिस लाइक कंसाइनमेंट, माइट बी यू कैन प्रिपेयर इन एडवांस फॉर दैट ऑल, और यस यू कैन सक्सेसफुली एक्सपोर्ट योर कंटेनर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी लाइक कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, शायद किसी आज तक फेस नहीं किए होंगे लेकिन किसी के बार पहली बार ही आपके सामने आया होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगी यस एनी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट यस सॉल्यूशंस आर व्हाट, कोई भी प्रॉब्लम कैसे आप कवर कर सकते हो, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विथ यू, यू शुड हैव द प्लेटफॉर्म सोर्सेस विथ यू, एंड यस यू शुड हैव द स्ट्रॉन्ग नॉलेज विथ यू। तो मैं कहूंगी मैंने जितने भी केसेस मतलब हैंडल किए हैं, जितने भी मेरे खुद के शिपमेंट में भी जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, यस आई हैव सॉर्टेड इट आउट विद ऑल दिस थ्री ओनली, एंड बिलीव मी लाइक इफ यू आर डीलिंग इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यस द मैं कहूंगी कि आपके पास ये होना ही चाहिए, राइट। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि लाइक आपको टेक केयर करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट को जाते समय, बिकॉज बिजनेस इज इजी लाइक बट द चैलेंजेस आर एवरीवेयर, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर एंड माइट बी
यू कैन फेस दैट. और मैं कहूंगी चैलेंजेस ही आपको खड़े करते हैं, आपको लाइक स्टैंड अप करते हैं, और इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस करना सीखो. और वो फेस करने के लिए हैव अ नेटवर्क, हैव अ रिसोर्सेस एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज विद यू. सो जॉइन ग्लोबल फॉर्च्यून. यस, वी आर रेडी टू हेल्प यू इन दैट. एंड यस, यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी. सो मैं कहूंगी यस, कैसे भी चालू करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भी कुछ है पहले प्रिपेयर करके ही चलो. थैंक यू एंड टेक एक्शन.